गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सॉरी यार, अब थोड़ा सा लंबे समय तक वीडियो नहीं आ पाएगी क्योंकि आज मेरा मैच था। तो यार स्पिनर पे खेल रहा था, सो बहुत तगड़ी वाली चोट लग गई है सर के अंदर। ये देख सकते हो कितना खून है यहाँ पे। सो और अभी हम लोग आए हैं नर्सिंग होम में। कितनी ट्रेजिडी हो रही है भाई साहब, आज के जितनी ट्रेजिडी तो कभी नहीं हुई। और मेरा ये भतीजा है, इसने मैच रख लिया था आज के दिन, वो भी देखो ये खून वून में हाथ हो रहे हैं और हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं, लेकिन आज के दिन कोई डॉक्टर मिलने के लिए राजी नहीं है भाई साहब। ये इतना बड़ा ये हो रहा है कि डॉक्टर नहीं है पूरे, कहीं से कि डॉक्टर नहीं है। आज सारी मार्केट बंद पड़ी हुई है सारी। अभी दो तीन हम लोग नर्सिंग होम में घूम के आए हैं, तो वहाँ पर भी जो स्टाफ था वो भी ठीक ठाक हालत में नहीं था, तो फिर मैं वहाँ से एक जगह से तुम्हें उठ के चला आया। ये ऐसी हालत हो रही है। डॉक्टर सर्च करते 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 हम लोग 4-5 किलोमीटर आ चुके हैं। मेरे सर का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा चोट लगी है। इवन इतना फट गया, इतना ये पूरा जितना जितना ये दिखाई दे रहा है ये इतना पूरा ही फट गया और बहुत ही। अब एक बेवकूफ़ी वाली बात बताऊंगा ना तो तुम कहोगे कि क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था। लाइक स्पिनर थी, बहुत ज़्यादा फ्लाइटेड बॉल करा रहा था यार, मैं बैंड होके खेलने के लिए गया ना, साली सर में ही लग गई। चलो सर्च करते हैं, देखते हैं टाँके वाके लगवा के नेक्स्ट मीटिंग क्या होती है क्या नहीं होती, आपको मैं बताता रहा। तो एक हंसी की बात, मेरे खून से दिल बने हुए हैं। दिल देखो, तीन तीन दिल बने हुए हैं मेरे खून से। वाह, ऐसा देखा है आप लोगों ने कभी नज़ारा? वाह मेरे ब्लड, वाह, रोमांटिक मामला हो गया यार। फाइनली मैं लेट चुका हूँ, मेरी ड्रेसिंग हो रही है। मैं यहाँ नर्सिंग होम में फाइनली 10 नर्सिंग होम छानने के बाद एक नर्सिंग होम यहाँ पे मिला है, तो वेट करते हैं। अब यहाँ पे टाँके लगेंगे काफ़ी सारे, डॉक्टर साहब 10 की बोल रहे हैं, देखते हैं बाकी क्या होता है। सो फाइनली गाइस, मैं घर पहुंच चुका हूं। और यार एक ना बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी मैच के दौरान, ठीक है। तो मैं यार सिर्फ तीन चीज़ बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं 6-7 या 8 नर्सिंग होम ट्राई करने गया तो वहाँ पर किसी ने कुछ नहीं किया। फाइनली एक DLF में, हमारी तरफ एक DLF पड़ता है, तो वहाँ पर एक आंटी थी जो कि वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट थी, तो उन्होंने बहुत मेरी हेल्प की। और वहाँ पर जो एक डॉक्टर थे, MBBS डॉक्टर थे, उनका नाम शायद मुझे नहीं पता, तो उन्होंने मेरी को जल्दी से मेरे को OPD में एडमिट किया और फाइनली उन्होंने मेरी स्टिचिंग वगैरह की। तो काफ़ी अच्छे सर्जन हैं वो, मुझे पता भी नहीं चला कि उन्होंने कब कब मेरे टाँके लगा दिए। बस वही है यार, कुछ लोग बहन की आँख इतने बड़े वाले होते हैं, बोलते हैं ये मेकअप है, ये है, फलाना ढिमकाना है। तो भाई हेटर्स के बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि उनके पास तुम्हारी लेट आई में जब भी वो लोग बोलते हैं। तो ये देखो आँख की, आँख काफ़ी ज़्यादा रेड हुई पड़ी है, ये अंदर से ये आँख पूरी बेकार हो गई है और इस एक आँख से मुझे अभी कम दिखाई दे रहा है। सो वीडियो का थोड़ा सा वेट करना और बहुत जल्दी रेडी होते के साथ ही वीडियो शूट करेंगे। और अभी थोड़ा सा अच्छा हो जाऊँ उसके बाद फिर आपके लिए कंटिन्यू करता रहूँगा, ठीक है। के बाय, लव यू ऑल। और मुझसे इंस्टा पे बात करने के लिए इंस्टा पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। लव यू।